हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और आज की रणनीति की वीडियो में जो इस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं वो है IBPS RRB एग्जाम, जिसमें ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट बेसिकली इन दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑफिसर स्केल 2, स्केल 1, 2, 3 भी हैं, बट जो मेजर वैकेंसीज हैं वो आपके ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में हैं। टोटल वैकेंसीज 8100 कुछ वैकेंसीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8100 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर है वैकेंसी के फॉर्म में। ठीक है, आपके जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 7 जून से लेकर 24 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो प्रिलिम का एग्ज़ाम है वो अगस्त के थर्ड वीक, दैट मीन्स कि 18 to 23rd or 4th अगस्त में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। सितंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा। जो इसके एग्जाम का पैटर्न है या फिर कह सकते हो आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है गाइस, और दोनों के पैटर्न आज हम इस एक वीडियो में समझेंगे, क्या प्रीलिम्स का पैटर्न होता है, क्या मेंस का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद IBPS RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स के रिलेटेड जितनी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है और फॉर्म फिलिंग से लेके एग्ज़ाम क्वालिफाई तक करने तक के पूरे डिटेल्स आपको इस पूरे वीडियो में मिलेंगे। तो जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सोनू, इसका प्रीलिम्स का और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं ज़रा। बिल्कुल। हेलो गाइस, तो जैसा कि सर ने बताया कि वैकेंसी जो है वो एक यूज नंबर है, वैकेंसी आई है हमारे पास, राइट, 8100 प्लस वैकेंसी है, और ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास। थोड़ी सी वैकेंसी लेट हो गई है, लेकिन अब जब भी आए, जब जागो तभी सवेरा हम कहते हैं वो चीज़, तो अब वैकेंसी आ गई है, तो आपके पास समय आ गया कि तैयारी करने का। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है एग्जैक्ट वो 4483 वैकेंसी है, और जो ऑफिसर स्केल 1 की है वो है 2676 वैकेंसीज। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक नंबर है वैकेंसी का। तो यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जो SC ST PWD में आते हैं उनके लिए 175 रुपीज़ है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी कैटेगरीज बच जाते हैं उनके लिए 850 रुपीज़ जो है वो अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। और जो एज क्राइटेरिया है क्लर्क के लिए 18 साल से 28 साल तक का है, और PO के लिए जो है वो 18 से 30 साल तक के रखा गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके। यहाँ पे आपको दो सेक्शन पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है प्री का, या ऑफिसर स्केल 1 का है। दो सेक्शन है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 40-40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे, और दोनों ही मिला के क्यूमुलेटिव टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स का। एक बहुत ही चैलेंजिंग आपके पास इन्वायरमेंट रहेगा। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और चूंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत हाई नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, तो कट ऑफ भी हाई जाती है, तो कंपटीशन जो है वो बहुत रहेगा, कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेंस का पैटर्न है वो किस तरीके से है। मेंस में आपको 5 सेक्शन आते हैं, सभी को पता होगा, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस का पेपर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, राइट। जो लैंग्वेज पेपर होगा इंग्लिश हिंदी आपको चूज करना पड़ता है बेसिकली उसमें, तो वहां पे आपको 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स पूछे जाएंगे, और लास्ट में 5th सेक्शन जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का है, जो कि 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का है, राइट। तो यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और ओवरऑल टाइमिंग दिया जाता है आपको 2 घंटे का। ये हमारे मेंस के पैटर्न है। अब जो है देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि वैकेंसी जो है वो अभी SBI क्लर्क का आना चाहिए था, लेकिन RRB का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां पे आपके पास मौका है एक बैंक जॉब को पाने का, तो इस चीज के लिए तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार सिलेबस को भी डिस्कस कर देते हैं कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का है चाहे वो PO का है। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग डिस्कस कर देता हूँ, फिर सर क्वांट के बारे में बताएंगे, राइट। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 40 क्वेश्चंस में आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो 35 प्लस अटेम्प्ट आपका आराम से हो सकता है। 45 मिनट्स का टाइम है, पता है कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर यहाँ पे आप सही से तैयारी करेंगे, टॉपिक मतलब सेलेक्टिव टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आप आराम से 35 प्लस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें, तो एक मैं ओवरऑल टॉपिक बताता हूँ, लेकिन सेलेक्टिव भी बताऊँगा कि सेलेक्टिव किस तरीके से आपको करना है।
जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, चाहे वो सिलोलिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, रैंक ऑर्डर एंड रैंकिंग है, राइट, उसके बाद डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, लेकिन ये सब मेंस का पार्ट है तो प्री में तो नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट, राइट, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपने सही से पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक्स का नाम हमने लिया है अभी, एक बार रिपीट कर देता हूं यहां पे, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, राइट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये सारे 6 से 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि 40 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। इसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, अलग लेवल का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा, जहां पे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पजल के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, एसेशन रीजन, स्टेटमेंट एजम्पशंस, ये सारी चीजें आपके मेंस में आ जाएगा। तो अब जो है सर बताएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो गाइस, जैसे आपको पता है सभी को कि जैसे आईपीएस आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर एग्ज़ाम से। इनके जो भी पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको पता है जैसे नॉर्मल आईपीएस बैंक वगैरह के एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। सर ने आपको रीजनिंग का बता दिया है, अब हम बात करते हैं जैसे अलग अलग सेक्शंस को हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो गाइस, आपको बेसिकली पता है क्वांट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, नंबर सिस्टम है, उसके अलावा आपका परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अलावा पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, केस स्टडीज और खास करके डेटा इंटरप्रिटेशन। गाइज, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, जो 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें से ये ही जो मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। और गाइज, आपके प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है बैंक एग्जाम में, तो आप अभी से प्रिपेयर करो ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में होती रहे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, रीजनिंग हो चुका, समझ लिया आपने सर से, क्वांट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फिर हम इसके बाद सिलेबस डिस्कस करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो सर इंग्लिश में बताओगे, इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चों को पढ़ना है? एग्जैक्टली तो बच्चों देखो, यहाँ पे इंग्लिश में एज यूजुअल जो हमारे जितने भी बैंक एग्जामिनेशन हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है, राइट, उसके बाद जंबल वर्ड्स हैं या जंबल सेंटेंस जो पूछे जाते हैं जिसमें आपको सेंटेंस को अरेंज करना होता है, राइट, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन जो आता है, idioms and phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, antonyms, synonyms, ये सारी चीज़ें, idioms and phrases, ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश थोड़ा सा जो है आरआरबी एग्जाम को लेके अगर हम बात करें तो इंग्लिश पोर्शन ईजी होता है, अगर आप सही से थोड़ा बहुत भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामर रूल्स आपको पता है, तो वो चीज़ें इजी आपके लिए हो जाएगी इंग्लिश में स्कोर करना, राइट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यहीं पे लैंग्वेज में देखो, आपको 2 चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी, राइट, ये तो मेंस की बात है ना, प्री में तो इंग्लिश है ही नहीं, लैंग्वेज पेपर है ही नहीं प्री में, ये मेंस की बात है, तो वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रिपेयर करना होता है। अगर आपके ऊपर है कि आप क्या प्रिफर करते हैं वहाँ पे चूज़ करना, तो इंग्लिश की बात तो हमने कर दी, हिंदी का ये बता दो, हिंदी में जो व्याकरण का पार्ट है, ठीक है, व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं पूरा ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप हिंदी में भी व्याकरण सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द या जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं हिंदी में, तो वो सारी चीजें व्याकरण के या ग्रामर, हिंदी ग्रामर का पोर्शन है जो बिल्कुल आपको कवर करना है, वो व्याकरण आप अच्छे से कवर कर लीजिए, हिंदी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 सेक्शन और बच जाते हैं जो कि हमारा है कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार कंप्यूटर नॉलेज को डिस्कस कर देता हूँ, फिर सर आपको बताएंगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनता है उसमें। तो कंप्यूटर सेक्शन देखिए, यहाँ पे बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर बाकी के एग्जाम की अगर बात करते हैं तो बाकी के एग्जाम में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते नहीं है उतने, क्योंकि उसमें लिखा होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज, बट 1-2 क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आरआरबी एग्जाम में आपके पास पूरा एक पोर्शन है सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर,
ठीक है, 40 क्वेश्चन आए जिसमें कि 20 मार्क्स रखे गए हैं, तो 20 मार्क्स जो है वो मैटर करता है बच्चे, यहाँ तो 0.05 मार्क्स 0.25 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, तो 20 मार्क्स काफ़ी मैटर करता है यहाँ पे। तो कंप्यूटर नॉलेज में फंडामेंटल्स जो भी है हमारे कंप्यूटर को लेके, वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी हमारे MS ऑफिस को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, या इंटरनेट के ऊपर जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं, गूगल के ऊपर जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें एंटीवायरस या सिक्योरिटी टूल्स में जो भी आता है हमारा, एंटीवायरस हो गया या जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक बार पढ़ना है, उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनपुट डिवाइस हो गया, रिपीट कर देता हूँ, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वाली चीज़ें हो गई, या विंडोज़ के बारे में पढ़ने वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में पढ़ना है, हैकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई, तो ये सारी नॉलेज जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, अगर किसी ने DCA किया होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA कोर्स है, अगर आपने वो चीज़ किया है तो आपके आपको जो है कंप्यूटर के लिए चिंता नहीं करना है, बेसिक नॉलेज आपके पास जरूर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो कंप्यूटर की बात होगी, एक बेसिक कोई भी बुक, हमारी भी बुक्स हैं कंप्यूटर के ऊपर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो वो चीजें आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार सर बताएंगे जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो बेसिकली सर ने बताया आपको कंप्यूटर नॉलेज का, तो इतनी हार्डकोर नॉलेज नहीं लेनी आपको, बट हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आपके इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, या थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज की नॉलेज होगी, और ऊपर ऊपर आपको MS वर्ड के बिल्कुल जो बेसिक्स होने चाहिए पता होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कंप्यूटर का था जो कि आपको पता होना चाहिए, और बहुत ईजी सेक्शन है आपके लिए, बहुत ईजी है, इसको कवर करना बहुत ईजी है, क्यों सर। उसके बाद जब बात आती है हमारी मेन जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस की बात आती है, अगर बैंकिंग एग्जाम है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आपसे कि आप बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं बैंक से रिलेटेड, वो ज़रूर आप पढ़ो। बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत सारे टर्म्स हैं, चाहे वो RBI से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस मस्ट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस से, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको कवर करना ही करना है। और उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट की फिनेंशियल या आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ हो वो ज़रूर देखिएगा, उससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके अलावा करेंट अफेयर्स तो है ही, साथ में फिर कंट्रीज़ हैं, करेंसीज़ हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं कि कौन सी बेसिकली, जैसे नोबेल प्राइज़ आ गया इस साल, तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो गई, अवार्ड्स हो गए, इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर में, करंट इश्यूज़ में, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन प्लेसेस, कौन कौन से लोग हैं जो न्यूज़ में रहे, क्या प्लेसेस थी जो इंपॉर्टेंट थी जो न्यूज़ में रहीं, इवेंट्स कौन से थे जो जिसके बारे में बात ज़्यादा हुई, ये सारी चीज़ें हैं जो करंट से रिलेटेड आपको देखना ही देखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बैंक के रेट्स हैं जो RBI डिफाइन करता है, वो रेट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, SLR हो, क्योंकि आपको पता है हर 3-4 महीने बाद ये रेट्स रिवाइज होते हैं, तो आप एक नज़र उस पर ज़रूर रखना। कई बार होता है कि वो वैल्यू नहीं चेंज नहीं होती बार बार, बट हाँ होती ज़रूर है, कई बार बैंक्स करते हैं, तो आपको उस पर जो लेटेस्ट है वो ज़रूर पता होना चाहिए, वो रेट्स आपके दिमाग में होने ही चाहिए। उससे उसके अलावा आपके बाद जो आपके न्यूज़ होते हैं फिनांस से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई, या फिर बैंकिंग की थोड़ी हिस्ट्री जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस में कवर हो जाती है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक्स थे जो आपके जनरल अवेयरनेस कह लो या मेजरली बैंकिंग अवेयरनेस कह लो, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड ही होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बैंकिंग के टर्म्स होंगे, या बैंकिंग न्यूज़ होगी, रेट्स होंगे, या डेटा होगा, फैक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेट ही करता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 सेक्शन जो आपके मेनली मेंस एग्जाम में कवर किए जाएंगे, बट अभी जो आपके पास टाइम है, आपको आपको पता है क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए, तो अभी से आपको 5 सेक्शन प्रिपेयर करना है। आप ये मत सोचना कि अभी मुझे प्री करना है तो मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पढ़ूँ, क्योंकि बाद में फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप अभी से आप ऐसा रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि आप 5 टॉपिक्स को लेके चलो, बट हाँ मेजर फोकस आपका क्वांट और रीजनिंग पे फिलहाल होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वांट और रीजनिंग को दो, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप मेंस एग्जाम नहीं देने वाले हो। तो पहला जो हर्डल है वो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, उसके लिए क्वांट रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और
अब हम बात करते हैं इन एग्जाम को क्रैक करने की, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। तो सोनू सर बताइए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके रीजनिंग सेक्शन में। पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन को क्रैक करना विद इन अ गिवन टाइम लिमिट और अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं हमें, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा, चूंकि आरआरबी का एग्जाम है ये और इसमें 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि 45 मिनट्स में क्वांट और रीजनिंग ये दो पोर्शन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है, और 80 क्वेश्चंस हैं और जो कट ऑफ जाती है वो अराउंड 70 प्लस कट ऑफ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस 45 मिनट्स में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना है। तो रीजनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रीजनिंग में आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट एक दो साल में आप लोगों ने देखा होगा एक चेंज, वो चेंज ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये जो है वो 20-25 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, राइट। पहले जो है वो 2-3 आते थे, यानी कि 15-20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से होते थे, लेकिन अब जो है वो 20-25 क्वेश्चंस रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के ऊपर अच्छी कमांड आपको होनी चाहिए। प्रीलिम्स में बहुत बेसिक पूछा जाता है, बहुत बेसिक सिंगल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, वो इजीली बन जाएगा, बस प्रैक्टिस करना होगा आपको। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन मस्ट मतलब आता ही है, जैसे कि सिलॉग से क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे, ब्लड रिलेशन पूछा ही जाएगा आपके पास, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस आपके पास पूछे ही जाएंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके पास पूछे ही जाएंगे, इनइक्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट पजल कवर करते हैं, बाकी के जो 15-20 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक्स, ये 4-5 मिसलेनियस टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करते हैं। तो कुल मिला के यहां पे आपके पास 6-7 टॉपिक्स ऐसे हैं मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स को लेके। तो यहां पे इन 7-8 टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आपको जाना पड़ेगा ताकि आप 35 प्लस अटेम्प्ट कर पाएं, राइट। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, अगर आपके पास क्वांट में ज्यादा नॉलेज है आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं तो 25 मिनट्स आप क्वांट को दे दें, 20 मिनट आप रीजनिंग को दे दो, अगर रीजनिंग में ज्यादा कर सकते हैं तो 25 मिनट्स रीजनिंग को दो, 20 मिनट्स क्वांट को दो, राइट। ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में तो सर यही है कि ये टॉपिक्स अगर बच्चे कर लें अच्छे तरीके से तो अच्छे स्कोर रीजनिंग में कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो अब जैसा कि आपने सर ने आपको बताया है कि रीजनिंग कवर करने का क्या सिंपल तरीका है, आपको इतने सारे सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, बट अगर आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे कमांड कर लेते हो तो आपका रीजनिंग 80% आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो जैसा कि रीजनिंग का ट्रेंड हो गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें डेटा देने के बाद उससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा ही क्वांट में जो आपका मेजर चीज़ है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। उसमें आपको एक क्वेश्चन होगा जिसमें डेटा गिवन होगा, चाहे वो टेबल के फॉर्म में हो, पाई चार्ट हो, या बार ग्राफ हो, और उसके बाद उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 15-20 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन से आते ही हैं। तो गाइज बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करो, उसके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कई बार होता है वो सिंगल डेटा होती है या फिर आपको सिर्फ चार्ट गिवन होगा उस पर बेस क्वेश्चन आते, बट थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके ट्वीक करके थोड़ा डिफिकल्ट बनाते, उसमें 1-2 डेटा या ग्राफ बार ऐड कर देते हैं, पाई चार्ट ऐड कर देते हैं, तो 2 ग्राफ के साथ डिपेंड हो जाता है क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको दोनों डेटा को मैच करना होता है, तो इससे वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और इन क्वेश्चंस में ही आपसे परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो गाइज जैसा कि मैं आपको क्वांट में बार बार कहता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है या जिस पे आपको कमांड करना चाहिए वो है परसेंटेज, उसके अलावा एवरेज, उसके अलावा आपके पास जो आता है फ्रैक्शन। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर इस पे आपने इन टॉपिक्स पे आपने अगर कमांड कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो। सोचो सिर्फ 2-3 टॉपिक पर अगर आपने कमांड कर लिया तो गाइज आपका पूरा का पूरा क्वांट कवर हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा सॉल्यूशन के लिए ट्रिक्स को फॉलो करो, शॉर्टकट मेथड्स देखो,
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि जिससे आपको कम से कम पेन का यूज करना पड़े, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपके मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, उसके बाद आपके मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होने चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में या आप प्रैक्टिस भी करो तो ऐसा ना हो कि आप पेन और पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा हो। तो गाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको डिस्कस कर ली है, उसके अलावा आपके प्रिपरेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे कि आपके बुक्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा मैटर सारे मटीरियल स्टडी मटीरियल से लेकर हर एक चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। तो गाइज बस आपके ऊपर है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जितनी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हार्डवर्क करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करें, उस पर वर्क करें और सिलेक्शन लें। थैंक यू गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक यू।